पंकज, ओ कुंभकर्ण महाराज, उठ जाओ, नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर दो। जल्दी उठो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें भी और मुझे भी। उठो जल्दी से, लेट हो रहा है। अरे चैन से सोने दोगी मुझे? जीना हराम कर रखा है मेरा। जीना तो तुमने हराम कर रखा है मेरा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। जल्दी से उठो और नाश्ता बनाओ मेरे लिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एक काम करो, तुम भी बाहर से खा लेना, मैं भी बाहर से खा लूंगा। हाय जीजू। अरे छोटी तू। हाय जीजू, आप तो खो ही गए थे। हाँ, तुम्हारे प्यार में। क्या? क्या? मेरा मतलब है ऑफिस के काम में। ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है ना, तो खो ही जाता हूँ। छोटी तू आ गई ना, आज हम खूब मस्ती करेंगे, शॉपिंग पे भी चलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। एक काम करती हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ आज। हाँ, मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, मैं भी खूब मस्ती करूंगा। एक मिनट, तुम्हें तो आज बहुत सारा काम था ऑफिस में। हाँ काम तो था, लेकिन अभी बॉस का फोन आया ना, बॉस ने बोला ज्यादा काम नहीं, घर रहो, छुट्टी ले लो। पर कुछ नहीं यार, चलो अंदर चलो। आओ छोटी, मैं क्या बताऊं तुझे। हाँ। आज तेरे जीजा खाना बनाने वाले थे, लेकिन इन्होंने बनाया ही नहीं, तो आज हम बाहर से ही खाने वाले थे, लेकिन अब तू आ गई है तो आज मुझे बनाना ही पड़ेगा। अरे दी, आप कैसी बात कर रहे हो, चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, साथ में बनाते हैं ना। अरे नहीं, आज तुम सिर्फ आराम करोगी, घर का कोई काम नहीं करोगी, खाना मैं और ये मिलके बना लेंगे। वाओ दी, जीजू कितने स्वीट है, भगवान सबको ऐसा ही पति दे। अरे मैं तो तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। क्या? अरे मैं तो शादीशुदा हो गया हूँ ना, अब दूसरा ही ढूंढना पड़ेगा। अचानक क्या हो गया इसे, एक पानी का ग्लास मांगती हूँ, वो तो दिया नहीं जाता इसे, अब ये मेरे लिए पूरा खाना बनाएगा। अब ये यहीं बैठी रहेगी, मैं और छोटी साथ साथ इन किचन रूम। जीजू चलो जल्दी। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ जाने के लिए, आओ चलो। जीजू क्या बनाऊं? तुम ना मुझे दूल्हा बना लो। मेरा मतलब है एक दूल्हा अब दूसरी दुल्हन के लिए क्या बनाएगा। अरे वही तो पूछ रही हूँ, क्या बनाऊं? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या बनाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक काम करती हूँ, आलू काट लेती हूँ, जो बनेगा आलू से बनेगा। ठीक है पूरा। अरे ये तुम कैसे काट रहे हो, ऐसे थोड़ी काटते हैं। दीदी तो ऐसे ही काटती है, ऐसे ही काटते आलू। अरे नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैंने फौरन में सीखा था आलू कैसे काटते हैं। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, अभी ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, अब आलू पकड़ो। हाँ हाथ दो, आलू को यहाँ रखो, वेरी गुड। अब एक हाथ से चाकू उठाओ, ऐसे, अब इसको ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे काटो, ऐसे काटो। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहे हैं दोनों, कोई आवाज भी नहीं आ रही है, कहीं मेरा पति सारा काम मेरी बहन से तो नहीं करवा रहा है, देखना पड़ेगा। ये तो कट नहीं रहा। कटेगा कटेगा, सब कुछ कटेगा, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो। ये क्या कर रहे हो? दी, जीजू मुझे आलू काटना सिखा रहे थे, वो भी फॉरेन स्टाइल में। फॉरेन स्टाइल में चाकू पकड़ना आता है इन्हें, और आलू तो दूर की बात है, चांदनी चौक से कभी बाहर गए हैं, इनको कुछ नहीं आता, तू चल यहाँ से मेरे साथ। यार ये बीच में क्यों आ गई, इतना अच्छा रोमांस चल रहा था। क्या आप थोड़ी देर बाहर बैठोगे, हमें अकेले में बात करनी है। दी आप जीजू से थोड़ा प्यार से बातें किया करो ना। हाँ
प्यार की बहुत कमी है, कोई प्यार ही नहीं करता मुझे। प्यार चाहिए, उठाऊं चप्पल? आज इन्हें प्यार चाहिए, कल तक इन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा था। आप जाइए बाहर, मुझे अपनी बहन से बात करनी दीजिए। ये पानी आप दोनों के लिए, प्यास लगी होगी ना आपको। ये है हमारे पास ऑलरेडी, ये देखो। जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं नाश्ता ले आता हूँ। कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। यार कैसे बिताऊं टाइम अपनी साली के साथ, जब तक ये चुड़ैल उसके साथ है मुझे आसपास भी नहीं भटकने देगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोच पंकज सोच। मैं अभी आई, देखती हूँ कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ, कहीं बाथरूम में कोई गिर तो नहीं गया? यहाँ पे भी कोई नहीं है। खोलो। अब मुझे मेरी साली से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये चुड़ैल भी नहीं। यस। साली साहिबा। अरे तुमने अपनी दीदी को देखा क्या? नहीं। मुझे उसे अपने हाथों से ये खिलाना था, पता नहीं कहाँ गई। हाउ स्वीट जीजू। अरे नहीं नहीं, स्वीट नहीं है, नमकीन है, नमक वाली। खा के देखो। नो ना, आई एम ओके। अरे खाओ ना। आई एम ओके जीजू। अरे खाओ। नमकीन है ना जीजू। मैं ये बोल रही थी हाउ स्वीट यू आर। नमकीन तो नमकीन होता है, पता है मुझे। एक काम करती हूँ, पंकज को फोन करती हूँ। फोन काट दिया मेरा। जीजू किसका फोन था? कस्टमर केयर वालों का था, बहुत परेशान करते हैं इसलिए मैंने रख दिया जेब में। और बताओ तुम। मुझे पता था इसकी हरकतों का। छोटी को फोन करती हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ। क्या इसने भी फोन काट दिया? जीजू आपने मेरा फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? अरे कस्टमर केयर का फोन था आपके फोन पे भी, इस टाइम वो ही फोन करते हैं और फोन कर करके परेशान कर देते हैं। तुम आराम से बैठो ना, तुम्हारी दीदी का इंतजार करते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। छोड़ो ना तुम, और बताओ, हम बैठते हैं आराम से, तुम्हारी दीदी का कुछ पता ही नहीं कहाँ चली गई। क्या देख रहे हो जीजू? कुछ नहीं कुछ नहीं। किसकी जोर की आवाज? लगता है भूत है। भूत 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 से मुझे बहुत डर लगता है जीजू। तुम ऐसे मेरे पास रहो, भूत कुछ नहीं कहेगा। भूत कुछ करेगा तो नहीं जीजू? नहीं नहीं, मेरे होते हो भूत कुछ कर ही नहीं सकता। तुम बस ऐसे ही मेरे चिपके रहो। आ जाओ आ जाओ। करो और गुस्सा करो, तुम जितना गुस्सा करोगी उतना ये मेरे पास आती जाएगी। करो करो और दरवाजा पीटो। अरे दरवाजा खोलो कोई। भूत आ गया था जीजू, मुझे भूत से बचा रहे थे। साला ये कौन एड़ा है जो आती पेड़ा खा गया? कौन है ये और अंदर कैसे आ गया? जीजू ये मेरे बॉयफ्रेंड है, एक्चुअली घर पे इनसे मिल ही नहीं पा रही थी तो सोचा यहीं पे बुला लो। अच्छा सुनो, वॉशरूम से ना कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, चल के देखे क्या। मैं तो गया।
कहाँ है पंकज? वहाँ पे। अरे नहीं, अरे माफ कर दो, अरे सॉरी बेबी, आज भैया, सॉरी बेबी। हे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रेड वाला बटन नहीं से दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, बेल आइकन भी दबा देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, बाय गाइस, बाय।